मेरे तरफ से तो उसने उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है। कट्टरपंथ की जमीन पर कदम रखने वाली अंजू अब फातिमा है, आईएसआई की लव जिहाद फैक्ट्री का मोहरा है, पाकिस्तान में धर्मांतरण साजिश का शिकार सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि ये ना पाकिस्तान के लिए नया है ना ही पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, क्योंकि कट्टरपंथियों के इशारे पर ये पाकिस्तान में बरसों से किया जाता रहा है। सवाल इससे कहीं आगे का है, सरहद पर हिंदुस्तान में साजिश को अंजाम देने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाती है और उसे कैसे अंजाम दिया जाता है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर पेशावर, कोटकी, लड़काना, खुजदार, तुरबत, कोहट और लाहौर में सीक्रेट सेंटर बने हुए हैं। इन सेंटर पर आईएसआई अपने प्लान के मुताबिक कट्टरपंथी सोच रखने वाले युवाओं को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग कोर्स 25 दिन, 45 दिन, 90 दिन और 180 दिन का हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान उस व्यक्ति या फिर देश का माहौल तैयार किया जाता है जिसे निशाना बनाया जाना है। टारगेट के लिहाज से बोलचाल की भाषा, रहन सहन, धार्मिक रीति रिवाज की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आईएसआई पाकिस्तानी लड़कों को पूरी तरह से तैयार करता है ताकि वो हिंदुस्तानी लड़कियों को निशाना बना सके। कहा जा रहा है कि अंजू डेविड की पाकिस्तानी लव स्टोरी के पीछे इसी तरह से साजिश को अंजाम दिया गया और अब अंजू को चेहरा बनाकर हिंदुस्तान की बेटियों को जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही है। आईएसआई वाली मोहब्बत वाली साजिश के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दूसरे देशों की लड़कियों को फंसाकर अपनी छवि बदलना चाहता है। अगर आप हिंदुस्तान समेत दूसरे देशों से पाकिस्तान पहुंची लड़कियों की जानकारी तलाशेंगे तो पाकिस्तान की मोहब्बत वाली साजिश बेपर्दा हो जाती है। 17 जून को मैक्सिको की रोजा बुनेर पाकिस्तान पहुंची। 27 जून को रोजा बुनेर ने एजाज नाम के युवक से शादी। 22 जुलाई को अंजू डेविड पाकिस्तान पहुंची। चिली की निकोला को टिकटॉक के जरिए पाकिस्तानी इकर मुल्ला से प्यार हो गया। चीन की गाओ फैंग स्नैपचैट के जरिए पाकिस्तानी युवक के प्यार में पड़ गए। ये वो मामले हैं जो बीते 1 से 1.5 महीने में सामने आए हैं। माना जा रहा है कि बेपटरी अर्थव्यवस्था और आतंक के बढ़ते ग्राफ के चलते पाकिस्तान की छवि आतंकी देश के तौर पर हो गई है। ऐसे में अब मोहब्बत वाली साजिश के जरिए वो संदेश देना चाहता है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान कट्टरपंथ के साए में नापाक मंसूबों को छोड़ नहीं पा रहा।